किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं खेत में आया हूँ घूमने के लिए, मेरे साथ में अंश भी आया, गन्ना खा रहा आज। भाइयों पेडी निमटते एकदम खेत आगा गहली, आपका पर्ची भी अच्छी आ रही है। तीसरे दिन ट्रोली जा रही, 3.25 भी गई हो रह रहा, 2.5 भी गई हो, और यो लगा लो 3 ट्रोली कांडे इसमें, 8 भी गई है। मुझे लग रहा है तो 8 या 24 एक महीने में निमट जाएगा। इस तरह स्पीड से पर्ची आ रही हैं, हमारा तो फिर भी अच्छा खड़ा, और लोगों को बाजा बाजा के तो बिजली लोटरी बेचारे गए। तो वैसे सीजन तो छोटा ही ठीक रहे, और पैदावार घटनी भी चाहिए। पैदावार घटेगी जब भी इसकी कीमत बढ़ेगी, इज्जत होगी गन्ने की, नहीं फैक्ट्री वाले कदर नहीं कर रहे इसकी, सरकार भी नहीं कदर कर रही गन्ने की। तो भाइयों आलू आपका इसीलिए पिटाया कि आलू अच्छा हुआ, बम्पर पैदावार है। जब किसी चीज़ की बम्पर पैदावार हो ना, जब भी मार्केट में पिटती है वो। तो भाइयों इस खेत के बाद में फिर इसमें आएगा नंबर, फिर वो 3.25 बीघे है सामने, वो फिर उसमें जाओगे। हाँ यो है अप्रैल के लास्ट लो, मई के पहले हफ्ते में निपटा लेंगे अपनी हम। मेरे ख्याल सब जगह की फैक्ट्री जो है अप्रैल से बंद होनी शुरू हो जाएंगी, हमारी तो चलेगी दुराड़ा मई तक, क्योंकि बाहर कब गन्ना लेती है। अभी शादी इतनी थी, मौका नहीं लगा गन्ना बोने का। आप कल परसों मंडेंगे बीज करने, एक साड़ी सरसों बो दी आपके, जुद हो गया वो कुछ वैसे जम गई, बोई थी पेड़ी होगी उसमें काली भी, जो कई साल पहले बोई थी वो बीज जम आया, वो कुछ हरा खड़ा है अभी। तो 8-7 दिन लगेंगे उसे निपटाने में, सरसों को निपटाने के बाद में फिर एकदम मंड जाएंगे बोने। हाँ ये लगा लो मार्च में गन्ना बो कर निमट जाएगा हमारा। और भाइयों मेरा कहना यह है कि जल्दबाजी ना करें, खेत को कमा कर बोएं, फसल कोई भी फसल बो खेत की जुताई उताई करके अच्छे तरह जब बोनी चाहिए। ये जल्दबाजी बो देना फिर वो ऐसी लिख रहे हैं, उसमें घने खाद गिरने पड़े हैं, घना खाद भी हिसाब लगाता नहीं किसान, उसका भी नुकसान नहीं बैठा है, औसत ही नहीं आता। पर कम नशे में एक बोई थी देखो, बड़ी जुताई करी, जुताई खुदाई, ज़्यादा खाद नहीं गिरे हमने, मीडियम लागत लगाई, गन्ना अच्छा हो गया। भाई ये मीडियम लागत ही लगाएं, बाजे किसान बेहिसाब लागत लगाता है, फिर जब कर्जा कटे, जब आँख पटे, जब वहाँ कर्जा भी तो शुरू में काट लें, थोड़ा किसान कर्जे से बचे, थोड़ा बहुत नगद लावे तो थोड़ा सा जल्दी राहत मिलती है। भाई ये पोगे जरूर छोड़ दें, सारे ना छूट आधे भी छूट जाएंगे ना, एक मेडे में अगर 2 पोगे भी छूट गए तो समझ लो वो जीवा देगा सारे मिड्डे को, अच्छा हो जाएगा। ये तो अंकित ने जड़ से फूक है पिड्डी, बहुत अच्छी जम रही है, ये भी तरीका बढ़िया है, लेकिन पोगा का गन्ना ज़्यादा निकलता है हमने देखा, पोगा का जो एवरेज है कम लागत में होता है, इसमें ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी, इसमें पोगे में कम लागत लगानी पड़ती है, ये हमने आजमा लिया। भाई अभी कोई पछेत नहीं की, बाजा किसान फरवरी में बो दे, मार्च में बोलो कोई कितनी गर्मी पड़ेगी उतना अच्छा करना होगा। ये अंकित ने बोया गन्ना और हमारा 10 दिन बाद होगा, सबका एवरेज एक से आ जा, गन्ने में ऐसा कुछ नहीं है। ये फागण का परका मार्च का बोया हुआ जो हमारा सामने खड़ा, वो अप्रैल मई का बोया हुआ, उस हम लास्ट में गिरेंगे, जब साल भर हो जाना खेत में तो उसका औसत पूरा आता है बढ़िया भर का। भाई अब फैक्ट्री जल्दी बंद होने लगी,
तो किसान को बीज तो रोकना पड़ेगा अपने जरा ये गेहूँ में पछते इन ये कटने के बाद बोएंगे तो बीज तो थाना पड़ेगा किसान को जरूर। भैया अब इसमें स्प्रे करेंगे टाइम से निपटा के, इसमें सिर्फ खूट खूट चमकेंगे इसमें गन्ने के, ये जो बीच में खरपतवार सब मर जाएगा। जैसे भी इंखना बनी 5-1 बीघे बनी हमें तब जा, एक दिन का काम है, 2 दिन लगा लो, एक दिन इसके एक दिन उसका आराम से। हम ज़्यादा पब्लिक नहीं बनाते ना, ठेकेदार बनाते, हमारे जो 2-3 ठेकेदार वे रहेंगे और हम रहेंगे, अपना भी बो वाले हम तो, क्योंकि अपने हाथ से जो आँख एक एक देख कर बोई जाना, जो मुझे अपने हाथ से बोने में ना वो दूसरे के साथ में नहीं है। ठेके बोवा देना तो भी तो एक आधी की आँख मर जाए उसे भी गिर दें भाई, फिर वो जमता नहीं, फिर वहाँ खेत खाली रह जा, फिर जोर पड़े साल 2 साल को बाद जाओ। इसलिए कोशिश ये करो अपने हाथ से बीज करवाओ। ये सामने टिंकू की पेड़ी फूट रही है, जितनी जानदारी की जमीन है इतनी ये पैदा नहीं ले पा रहे भाइयों, इनका चक बिल्कुल सोना है। अच्छा तो वो रखो है, ये बोर्ड खड़ी देर घूमो की पता नहीं है तो करने की कमी है, करे भी हिल्ला बतरा बालक। टिंकू ने आपका ट्रैक्टर लिया, अब जुताई अच्छी होया करेगी, तक तो वैसे किराया करवा था भाई, पहले ट्रैक्टर था ऐसा वो बेच दे देना उन्होंने। भाइयों जितना भी खेत कमा कर बोएंगे उतनी अच्छी पैदावार होती है, कमाई होनी बहुत जरूरी ज़मीन की। ये देखिए पेटी फूट रही है, इसमें खरपतवार भी है, खैर तो समय नहीं आया, तय खिदाई होगी बढ़िया होगी। लेकिन मेरे हिसाब से टिंकू अच्छी है, ये ज़मीन बढ़िया, इतनी आमदनी नहीं ले पा रहा खेतों में। एक तो इसके साइड बिजनेस होगी, कथा फिर एक गिरवाना, कई काम है इसके भाइयों, जी लगता है जंगल में। भाइयों मैं चलता घर की तरफ, पिल्लों को रोटी देना आया था। भाइयों लैंटर खुल गया, बहुत सुंदर मकान बनाया नक्शे का मिस्त्री ने, भराव ज़्यादा कर दिया। भाइयों नया मकान बनाया है बहुत सुंदर, भाइयों देखिए गैली कितनी लंबी है, अब सारे ट्रैक्टर ही खड़े रह रहे हैं कृष्ण पाल के, जरूरत नहीं गांव में जाने की। भाइयों बहुत अच्छा मकान बना, ये इसने प्लॉट लिया था, प्लॉट लेकर बनाया, ट्रैक्टर खड़े रहो, एक आदमी लौटा रहा हूँ, यहाँ सारे चीज़ की रखवाड़, ये 2 होल बन गए बहुत बढ़िया, सारा लैंटर खुल गया। भाइयों देखिए कितना अच्छे बीम डाले हैं, बहुत बढ़िया लैंटर खुला। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नमस्कार। भाइयों देखिए कितने सुंदर फ्लैट बनाया, नमस्कार।